एक तरफ तो हम नाचते हैं, गाते हैं, सूद खाते हैं, शराबें पीते हैं, दूसरी तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, क्या जोड़ है इसमें? तो कब तक ये बेजोड़ सिलसिला चलता रहेगा? आखिर तंग आकर लोग इस मुर्दा लाश को दफन कर देंगे। कोई फ़ायदा नहीं है इन अकीदों को मानने का जिनका ज़िंदगी पर कोई असर नहीं, इन रस्मों को अदा करने का नमाजों और रोज़ों को क्या फ़ायदा जिसका कोई ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से नहीं। जो कुछ हम करते कराते हैं कोई जोड़ ही बेजोड़ बातें। तो यही ख़तरा जो उन्होंने कहा जिसका ख्याल कोई नहीं कर रहा, और अमार मशायख भी जो है ना कोई बाद नमाज पर कर रहा है, कोई रोज़े की बात कर रहा है, कोई वालदैन की खिदमत कर रहा है, ये तो हिस्से वो सारा दिन जब तक ना होगा। दूसरी जगह मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल मशीन की दी, खुतबात में मशीन हो जैसे ये घड़ी है कि उसका पुर्जा एक बेशक कितना कीमती है मगर वो मशीन से निकाल कर अलग रख दिया जाए फिर क्या काम देगा वो? मशीन में सेट होगा, बाकी अज़ाब भी साथ होंगे पुर्जे, फिर वो छोटा सा भी है ना। इसलिए जो अहादीस में हम पढ़ते हैं ना कि कभी आप फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह बहमदी से सारे गुनाह बख्शे जाते हैं, इस कर्मे से इतना स्वाब मिलता, वो ऐसा ही कि मशीन ठीक हो ना सारी तो थोड़ा सा तेल भी दे दिया जाए तो बाकी मशीन बहुत आला काम करती है। मगर जब पूरी मशीन तबाह हो जाए और सिर्फ तेल के कुप्पे नुंडाता रहे आदमी फिर क्या होगा? लोग सवाल करते हैं कि यार छोटी सी नेकी पर स्वाब, छोटी नहीं वो छोटी सी पेन भी जो है ना मशीन में वो वाकई बहुत कारामद है। जब मशीन ना हो तो फिर वो टुकड़ा बेकार ही नज़र आता। तो मौलाना मौदी रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है कि जब माहौल भी गैर इस्लामी है, तालीम मदरसों कॉलेजों में दूसरी है, अदालतों में कानून दूसरा चल रहा है, इर्द गिर्द बसने वाले सारे लोग दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये दीनदार लोग कब तक बेचारे इस मैयत को उठाए फिरेंगे? आखिर ये दीन फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, नफरत हो जाएगी, छोड़ जाएंगे। इस खतरे की निशानदेही की है कि करना है तो जैसे चौसाई साहब ने फरमाया ना पूरा दीन कायम करो। मिसाल इसकी बिल्कुल ये है कि एक पौधा अगर ऐसी फ़ा में लगा दिया जाए कि वहाँ माफक फ़ा हो, मौसम भी, ज़मीन भी, खाद पानी, नशोनमा पाएगा। आप उसको ले जाकर एक ऐसी ज़मीन में लगा दें जो उसके लिए मुनासिब ही नहीं है, सूख जाएगा, रहेगा भी तो बिल्कुल कमज़ोर सा फल ही लाएगा। अब इस्लाम बेचारे के साथ यही हो रहा है, सदियों से हो रहा है, टुकड़े कर दिए, कोई अकीदे लिए फिरता है, कोई बातों पर जोर देता है, कोई अखलाक को लिए फिरता, पूरे दीन की बात नहीं कोई करता कि सारा दीन जो है ना उसको कायम करो। वो मशीन अगर सेट हो जाए तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें होंगी। पुर्जा पसंद है वो लगा देता है, दूसरा कहता है ना जी मुझे टेप रिकॉर्डर का ये पसंद है वो लगा देता है, सारे अपने पसंद के लगा लेंगे तो वो चलेगी कैसे? दीन के साथ यही हो रहा, दीन टुकड़ों में बट गया। वैसे मौलाना ने एक मिसाल इसमें ये भी दी है ना जी, कई दफ़ा हुआ है, कई दफ़ा बल्कि अक्सर यही हुआ है कि दिल ने ठीक रह के बाकी को ठीक कर दिया, यानी ये इस्लाम ने हर दफ़ा मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने इस्लाम को कभी नहीं बचाया। हाँ मौलाना ने बड़ी प्यारी बात कही, ये सख्त जान है, ये दिल जो है ना यानी इस्लामी अकीदे इतने जानदार हैं कि इतनी गुमराही के बावजूद भी अभी तक बचे हुए हैं और कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ों को भी सहारा दे रहे हैं, बहुत माकूल हैं, ठोस हैं, अकली बुनियादों पर कायम हैं। अल्लाह ताला का होना, आखिरत पर यकीन होना, नबियों का हादी मुकर्रर कराना, सब बातें ऐसी हैं कि फिर भी अपना असर दिखाती है। हाँ मैंने एक मिसाल पढ़ी कि गए गुजरे दौर में भी इस्लामी अकीदा जो है ना अपना रंग दिखा जाता है, कि मलिक शाह सलजूकी बहुत ज़बरदस्त हुक्मरान गुजरा है अब्बासी दौर में, तो इस ख़ानदान ने सराज करने देर तक इकतदार अपने हाथ में रखा, तो शाही फौज ने एक जगह कैंप लगाया था तो सिपाही इधर उधर निकल गए, उन्होंने एक बेवा औरत थी उसकी गाय जो उन्हें पकड़ कर लिया दबा करके खा गए, वो बेचारी कैंप में घूमी, अफसरों के पास गई, किसी ने बात ही नहीं सुनी, धक्के दिए, किसी इदारा ने उसे कहा कि मलिक शाह हर रोज़ असर के बाद ना फलां पुल पर से गुजरता शिकार के लिए जाता, तो वहाँ खड़ी हो जा और जब सवारी आए ना लगाम पकड़ लेना और ये बात कहना। वो खड़ी होगी, जब सवारी आई उसने लगाम पकड़ ली, उसने कहा मैं क्या बात, उसने सिर्फ इतना कहा कि बादशाह
मेरे साथ हिसाब इस पल पर करना या पुर सिरात पर करना। वो कांप गया, उसने कहा माँ जल्दी बता क्या मामला, पुर सिरात पर मेरे पास क्या होगा तेरे साथ हिसाब करने के लिए, जो तेरा मामला मैं अभी निपटाऊंगा। एक ही फिक्रा कि यहाँ हिसाब करना या पुर सिरात पर करना। जब बात उसने बताई, उसने फौरन हुक्म दिया अपने अफसरों को कि वो सिपाही तलाश करो, उनको सख्त सजा दो, और इसको एक की बजाय सात गाय जो है ना वो दो, मेरी जान छुड़ाओ, मैं यहाँ तो सब कुछ देकर अपने आप को बख्शवा सकता हूँ, क़यामत के दिन मेरे पल्ले क्या होगा। इसलिए ये अकीदे हैं तो जानदार, क्या गुजरे दौर में भी ना इनकी चमक जो है आदमी को रोशनी दिखा देती है कि क्या बनेगा। बहुत वाकयात हैं इस्लामी तारीख में, दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है ये अकीदे की वजह से हो रहा है ना। कि एक तरफ पूरी टेक्नोलॉजी है और एक तरफ सिर्फ ईमान है। ईमान ईमान अभी तक वो ईमान ही ये मौजे दिखा रहा है। बच्चे भी बेचारे नारे लगाते आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, अंजाम सबको नजर आ रहा है कि हमने क्या बिगाड़ लेना इन गलेलों के साथ इनका, मगर कोई परवाह नहीं करते, एक ही मार रहेगा, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने जो नज़म लिखी है कि इस्लामी शरीयत में कितना ज़ोर और ताकत है कि सुल्तान मुराद जो टर्की का बहुत ज़बरदस्त बाजबरूद सुल्तान था, मस्जिद बनवाई, देखने गया, मस्जिद किसी वजह से पसंद ना आई तो उसने मेमार को कहा निकालो हाथ, उसने हाथ निकाला तो हाथ काट लिया, उसने हाथ पकड़ा और काजी के पास चला गया। हालांकि काजी उसी बादशाह का मुलाजिम था, खिलाफत भी नहीं थी, बादशाह का ये दौर था। सारी जाकर बात सुनाई, उसने उसी वक्त परवाना जारी किया काजी ने कि पेश हो। हाँ, जब वो खत बादशाह को मिला, ऐसा बादशाह जो इतनी बड़ी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, टर्की सल्तनत उस्मानिया, रंगे शाज हैबत कुरान परी, अब कुरान के डर से और हैबत से बादशाह का रंग उड़ गया कि कुरान तो बदले का बदला कहता, अब क्या बनेगा। हाँ, कांपता हुआ पेश हुआ, काजी ने पूछा कि हाथ तुमने काटा, उसने कहा तो, उसने कहा सर कुरान तो कहता वला कुम्फिल किसास से हयात, बदला लेने में ज़िंदगी, अगर बदला ना लिया जाए तो फिर तो जालिम जो जी चाहे करेंगे, निकालो हाथ, आराम से हाथ निकाल ली। उस वक्त उस मेहमान ने कहा काजी साहब इंसाफ हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा हक अदा हो गया, मैंने माफ़ किया। उसने कहा ये तेरी मर्ज़ी है, वरना बिल्कुल इसी अदालत में हाथ कटवा देता। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल कहते हैं देखो कि चींटी और सुलेमान जो हैं वो कुरान की नज़र में एक हो, कहीं उस कहाँ हजरत सुलेमान की तरह का वो था, कहाँ ये बेचारा मेमार चींटी था, हैं वो बराबर कर दिया कुरान। इसलिए दीन जो अल्लाह ने दिया है ये तो है इंतहाई याद आ, मगर बदकिस्मती हुई कि पुर्जे कर दिए, पुर्जे भी बहुत से गोमी कर दिए, थोड़े थोड़े हैं जो सीने से लगाए थे। जी हकीम साहब को भी लेना चाहिए। हाँ रंग शाख हाँ सतवत आई ने पैगम्बर निगर व्याफ मोरे बर सुलेमान दार, कहते हैं देख रसूलल्लाह के दीन का रोब कि चींटी जो थी फतह पा गई सुलेमान पर। कुरान पाक अल्लाह के फैसलों को तस्लीम करने से जो इंसाफ है, दीन बस जब से निज़ाम नहीं ना रहा कि ये एक मशीन है, बस अकेले अकेले पुर्जे पर बातें शुरू हो गई, टुकड़े कर दिए, कुछ भी असर नहीं कर रहा, सारे पुर्जे जोन में से कोई भी काम नहीं कर रहा। इबादतें बेअसर हैं, एक तरफ नमाजें पढ़ी जा रही हैं, अल्लाह कहता नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है, नहीं मस्जिद से निकलता सब बेहयाइयाँ करता, रोज़ा मुतकी बनाता कोई नहीं, वो रोज़े की हालत में भी लोगों को लूटते हैं, बड़े बड़े हाजी साहबान हैं मुतकी हैं, चीज़ में मिलावट कर रहे हैं, गाग से धोखा कर रहे हैं, हज पर जाते हैं अल्लाह कहता हज जो है वो माँ की तरह माँ के पेट से जैसे पैदा होता है, इस तरह का बना देता आदमी, कोई नहीं, जो आता है लोग कहते हैं यार ये हज करने से पहले कोई अच्छा शरीफ आदमी था, अब तो हाजी साहब पत्थर दिल ही हो गए, यही बात है ना असली तो बात, अब कैसे दिन बेचारा बदनाम हो गया।
अच्छा, अगला हिस्सा क्या फिर इसका, वो कितना